पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि एशिया की सबसे कदीम और पाकिस्तान की एक मायानास तालीमी दरसगाह है। इस अजीम दरसगाह ने 1882 में अपने क़याम से लेकर अब तक तालीमी मैदान में नहायत ही गिरा कदर खिदमात सरंजाम दी हैं और माशरे को लातादाद शख्सियात फराहम की हैं। ये अजीम दरसगाह अभी तक शान शौकत के साथ माशरे की तालीम तरवीज की राह पे गामजन है, जिसका अंदाज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इकोनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम एलुमनाई मीट 2023 की पुरवकार तकरीब में एलुमनाइज़ की कसीर तादाद की शिरकत से भी लगाया जा सकता है, जो कि हाल ही में फ्लैटीज होटल लाहौर में मुनक़द हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने अपने खिताब में कहा कि ये ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तलबा बैनुल अक्वामी सतह पर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुंतजमीन को साबिक तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारा वियन है कि यूनिवर्सिटी का कोई भी तालिब इल्म फीस की वजह से अपनी तालीम अधूरी ना छोड़े। इस मौके पर डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद, मारूफ सनतकार चौधरी मोहम्मद शफीक, प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, साबका आईजी जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग, डीआईजी जेल खानाजात सईदुल्ला गोंदल, चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाहिद जिया चीमा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा अजरा बतूल समेत फैकल्टी मेंबरान और शोबा मुआशियात के साबिक और मौजूदा तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सलीम ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और इस पुरवकार तकरीब में शिरकत करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावा इस तकरीब में कैसर याकूब रांझा डीजी खान से, सरफराज लंगयाड प्रोफेसर अरशद साहिवाल से, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज तोंसा शरीफ प्रोफेसर इशफाक, नई मसलम मीर इस्लामाबाद से, आमिर सलीम मुल्तान से, ताहिर अजीज बोदला मुल्तान से, आसिफ रऊफ अजहर इकबाल नदीम सुहेल समेत दीगर एलुमनाइज ने शिरकत की। इस गेट टुगेदर में तमाम तर पुराने दोस्तों ने गुजरे हुए औकात में यादों को ताज़ा किया और जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात के बारे में एक दूसरे से तबादला ख्याल किया। एलुमनाई मीट में तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और हमारा टीवी की जानिब से खुसूसी कवरेज पर मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान यासिर खलीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्लैटीज होटल लाहौर में और यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एलुमनाइज मीट 2023 का इनेकाद हो रहा है। आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हम आपकी मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज से करवा रहे हैं, जिन्होंने इस अजीम दरसगाह से न सिर्फ तालीम हासिल की है बल्कि वो इस इल्म को अगली नस्लों में भी मुंतकिल कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से मुल्क कौम की तरक्की के लिए कोशा है। और इनसे ये जानेंगे कि एक अरसे के बाद पुराने दोस्तों के साथ मिलकर कैसे लगा। जी तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए। जी नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी मोहम्मद सलीम साहब जो इस एलुमनाई को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जानना चाहेंगे इस एलुमनाई को, इस गैदरिंग को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो मैं हमारा टीवी का मशहूर हूँ जिन्होंने हमारा प्रोग्राम कवर चढ़ने का अरेंज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा असल में मकसद ये होता है कि हम 6 साल से अपने शोबा इकनॉमिक स्कूल ऑफ इकनॉमिक जिसका अब नाम है उसके पुराने स्टूडेंट को नए स्टूडेंट को इकट्ठा करते हैं ताकि साल बाद वो अपने एक दूसरे से खुशियाँ भी बांटते हैं और दुख सुख भी बांटते हैं। और बहुत सारे दोस्त जो हमारे फॉरेन सर्विसेज में आईजी के मुकाम पे हैं, बैंकर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टेट बैंक में हैं, कहीं भी मौजूद हो, वो इस प्रोग्राम का हर साल बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ और हम आपस में गपशप भी लगाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए भी जो इकानमी में प्रॉब्लम आ रही हैं उनका भी कोई ना कोई हल ढूंढें। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जो मुश्किलात मुझे हुई हैं लेकिन जैसे जैसे हो रहा है तो इसमें हमारी प्रोग्राम होती है यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व हो, इसके बाद हमारे तमाम जो जब प्रोग्राम अरेंज करना होता है तो मुझे कोई तकरीबन 3 से 4 माह लगते हैं हर स्टूडेंट तक, हर एलुमनाई दोस्त तक पहुंचने के लिए, ताकि जो हम अकानों में एलुमनाई को फैमिली का फंक्शन करार देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही आप देख रहे हैं
आज का जो इवेंट है तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, जिसमें बरूने मुल्क से भी होंगे, पाकिस्तान से भी होंगे, एम्बेसडर भी होंगे, आईजी के मकाम पे भी होंगे, स्टेट बैंक के डायरेक्टर साहबान भी होंगे, बैंकर भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे। इस अलमनाई लंच के हवाले से मैं खसूसी तौर पर चौधरी मियाँ शफीक साहब का अनथाई मशहूर हूँ, चौधरी शफीक साहब का जो हमारे सीनियर हैं, वो पाकिस्तान में चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। वो हर साल सदारती अवार्ड लेते हैं, जो पूरा लंच का जो इंतज़ाम किया है उन्होंने, स्पॉन्सर किया लंच को, मैं खासकर उनका भी इंतहाई मशहूर हूँ कि इतना प्यारा गुलदस्ता सजाने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना प्यारा इकट्ठ है, इकोनॉमिस्ट हमारे बैठे हैं और यही अगर हकीकतन यही हमारे मुल्क की तकदीर को संवार सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके सामने, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जो हुकूमत को चाहिए, आपको बिठा के, आप जैसे इकोनॉमिस्ट को बिठा के लेनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? असल में होता जो है हमारे ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी फैलें रोक लेती हैं, जिस तरह जो टॉप तीन हमारे लोग हैं इस टाइम, एक हमारे दोस्त हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इस तरह बाकी इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं। वो हुकूमत को अच्छे से अच्छी चीज़ें तो एडवाइस करते हैं, लेकिन आगे आपको पता सरकारी फैलें प्रॉब्लम बना देती हैं। बाकी हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने पुराना स्टूडेंट होने की हैसियत से, अलमनाई स्टूडेंट होने की हैसियत से डिपार्टमेंट के कोई ना कोई काम आ सकें, उन बच्चों को कुछ बता सकें कि हर एजुकेशन कैसे, उनके हवाले से इंटर्नशिप का कोई मसला हो, उन्हें बैंकों में मुख्तलिफ जगह से कोई मसाइल आ रहे हैं, तो हम उन्हें उस हवाले से मुकम्मल करते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, थैंक यू जी। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर सर। कैसा फील कर रहे हैं इस फंक्शन पे आके, इस गैदरिंग पे? अच्छा फील कर रहा हूँ, आज ऐसी महसूस हो रहा है कि जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, 30 साल बाद दोस्तों को मिलना, 40 साल बाद दोस्तों को मिलना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैं समझता हूँ कि चौधरी सलीम साहब की एक बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने तमाम इकोनॉमिस्ट को यहाँ इकट्ठा किया है, जहाँ हम मईशत के मसाइल भी डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाती मसाइल भी डिस्कस कर रहे हैं, और एक फैमिली टाइप माहौल है, फैमिली गेट टुगेदर है, और हर बंदा यहाँ इंजॉय कर रहा है और पुराने दोस्तों को देख के खुश हो रहा है। सिर्फ क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी आप जानते हैं कि स्टेबल नहीं है, ऐसे इकोनॉमिस्ट को, ऐसे खूबसूरत चेहरों को बिठा के गवर्नमेंट को बिठाना चाहिए और उनसे डिस्कशन करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सभी से फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ बेशुमार इकॉनॉमिस्ट ऐसे हैं जो PhD हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और ऑलरेडी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा फोरम बनाए और इनसे कलेक्टिव विजन के ज़रिए फ़ायदा उठाए तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान इस वक्त लोएस्ट पेड कंट्री है, जिसपे ये एवरेज $173 है, और ये शायद दुनिया का सबसे कम पेड कंट्री है। और अगर हम यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, करप्शन पे काबू पाएँ और अपने बॉर्डर्स को सही तरीके से महफूज रखें, तो ये मुल्क भी तरक्की कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। जी नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद है बहादुर ज़किरिया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर सईदा अज़रा बतूल, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलमिनार पे आके कैसा फील कर रही हैं, क्या जज्बात हैं और किस तरह से आप समझती हैं कि ऐसे इलमिनार, ऐसी टुगेदरिंग होनी चाहिए? जी ये हमारा जो अलुमनाई लंच है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अलुमनाई गेट टुगेदर, in the sense that here all the past students many years back who been graduated from here, wo sare yahan ikatthe honge, aur ek time tha ke hum sare corridors mein firte the, plots mein firte the, enjoy karte the, canteens pe jaate the. Now the time has come that everyone is busy in his or her personal life, and now the time to share our experiences and strengthen our bonding with each other, and we will recall the past time. And you know that our sisters and brothers, these are our sisters and brothers, and I was feeling very much you may say thrill for the last night or so, that I have to meet so many friends.
तो ये एक अच्छा मौका है कि इस पे हम सारे इकट्ठे होकर यादों को ताज़े करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और रिन्यू करेंगे अपने जो एक रिलेशनशिप है अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। फिर सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि यहाँ एक वैरायटी होगी, यानी कि हम अब बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस हो गया और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े यंग हैं लाइक और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। तो मैंने यहाँ से ट्वाइस आई एम अलुमनाई फ्रॉम हियर, आई डिड माई मास्टर फ्रॉम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई डिड माई PhD फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ जो है वो पुराने लोग भी मेरे कोलीग्स हैं और नए लोग भी मेरे कोलीग्स हैं। तो ये एक इतना अच्छा यानी कि जेस्चर है और मैं क्रेडिट देती हूँ सलीम भाई साहब का, जो हमारे क्लास फेलो भी हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं भी उनके अंदर उनकी जो एफर्ट्स हैं उनमें मैं हमेशा गाहे बगाहे कुछ ना कुछ नहीं उनका जो है ना वो उनके साथ डिस्कस करती रहती थी। तो शुक्र है कि ये दिन आया और बहुत खुशी का दिन है। आज हमें ऐसे लगता है कि जैसे ईद का दिन है और हम ईद के दिन अपने दोस्तों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और अपनी बरादरी से जब मिलते हैं तो जाहिर है कि एक दिल खिलता है। तो मेरा ख्याल में ये ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी अंधेरे में जुगनू चमक रहे हों, तो मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है कि ये हमें एनलाइटन करेगा ये जुगनू कि कैसे हमने अपने फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रिलेशंस को बिल्डअप करके कैसे एक दूसरे की हेल्प भी करनी है और कैसे एक दूसरे के साथ हमने शेयर करने हैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी एक्सपर्टीज। जी राजन कराम हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद रियाज चीमा साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक क्या सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कैसा फील कर रहे हैं लोमिनाई पे आके, ऐसे इवेंट्स आप क्या समझते हैं, इन इवेंट्स का होना कितना हमारी इकोनॉमी के लिए और इस खूबसूरत माहौल के लिए बेहतरीन है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। इसको हमने ऑर्गेनाइज करने में बड़ी एफर्ट किए हैं और ये हमारा तीसरा सक्सेसफुल इवेंट है और आइंदा इसमें हमने तकरीबन जो है 1973 से ऑनवर्ड तमाम सेशन के लोगों की रिप्रेजेंटेशन है और वर्ल्ड ओवर ये जो एलुमनाइज हैं इनका बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में और अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथनिंग और प्रमोशन में और एक अपना गेट टुगेदर है, सारों का लिंक है, एक दूसरे को फैसिलिटेशन है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, फंक्शंस हैं, वो आप इसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें हमारे डिपार्टमेंट का और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बड़ा रोल है जो इसमें हमेशा हमें फैसिलिटेट करते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं। डीन साहब मुमताज़ साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, तो दे ऑलवेज सपोर्ट अस एंड फैसिलिटेट अस एंड इनकरेज अस। सर अगर हम अभी अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो क्योंकि यहाँ पे सारे खैर से इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी की कितना ज़रूरत है? स्टेबिलिटी तो जाहिर है एक इकॉनमी में डिज़ायरेबल चीज़ होती है, लेकिन बात असल है कि हमारी इकॉनमी में पोटेंशियल है, रेजिलियंस है और असल चीज़ है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, वो उसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है और उससे उसके साथ साथ जो कह लें इसको बूस्ट करता है या सपोर्ट करता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो यही दो चीज़ें हों तो ना लोगों के मतलब इधर आइडियाज़ में कोई कमी है, ना हमारी इकोनॉमी का कोई पोटेंशियल कम है, वी कैन बूस्ट अगेन गिवन दैट के जो भी पॉलिसीज़ आप लें वो लेट देम कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ताकि वो इस मुल्क को तरक्की में अपना मतलब जो अपना रिजल्ट दिखा सके वो पॉलिसीज़ आपकी। थैंक यू सो मच सर फॉर फ्रेश। शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन इकराम हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ऐसे इवेंट्स की क्या अहमियत है कि ऐसी गैदरिंग की क्या अहमियत है? मैं सबसे पहले तो कह लें मुबारकबाद पेश करता हूँ ये सलीम साहब और इनका जो बैज है 1988 और 90 हेल्ड इन 91। इन लोगों ने आज से 6 साल पहले जो है सिर्फ अपनी क्लास की गैदरिंग की, देन अब देखें ये छठा जो है फंक्शन है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे चूँकि ज़िंदगी मसरूफ़ है और बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात होती है और डिस्कस होते हैं, सब्जेक्ट डिस्कस होता है, सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्कस होती है और अगर कोई सब्जेक्ट जो है उसकी कोई वीकनेस जो है वो भी डिस्कस होती है। फिर स्पेशली इस वक्त जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर फैसिलिटेट किया जाता है, लाइक इंटर्नशिप जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, इवन स्कॉलरशिप अगर किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है तो हमारे ही जो कोलीग लाइक ये शफीक साहब हैं
इस वक्त माशाल्लाह सारा फंक्शन जो है उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो शफीक साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स की हम हेल्प भी करते हैं। और आज ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे हम लोग क्लास में थे आज से कई साल पहले, और बहुत सारे चेहरे जो हैं कई सालों के बाद जो है उनसे आज मुलाकात हुई है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रेश ब्लड है। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम अहमद साहब इंटर हो रहे हैं, तो उनको देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है। तो आप भी देख लें, सभी के चेहरे जो हैं वो खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। तो अब इस बिजी दौर के अंदर जो है इस टाइप की गैदरिंग जो है उसमें एक तो जो है फ्रेश ब्लड पैदा होता है, और देन जो है कि जो छोटे मोटे सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो डिस्कस होते हैं। तो लिहाजा ये गैदरिंग होनी चाहिए। हमारे इस गैदरिंग में बाहर से भी लोग आए हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए हैं, असाज़ा कराम है। मैं चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने टीच भी किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, पिछले 10-15 साल से मुलाकात नहीं हुई, उनसे भी आज मुलाकात हुई है। तो ये बहुत अच्छा एक फंक्शन है, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। सर बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे देखते हैं आप इस गैदरिंग को, इस फंक्शन को, इस इलामिनाई को? मेरा नाम सरफराज है, मेरा सेशन 87-89 था। अच्छा। और बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है सलीम साहब ने खास तौर पे लिया है, जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जो होस्ट किया है शफीक साहब ने, वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। और ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मौका प्रोवाइड किया है हमें एक बहुत अरसे बाद इकट्ठा होने का, अपने कोलीग से मिलने का, अपने दोस्तों से मिलने का, अपने टीचर से मिलके और उनकी उनको थोड़ा सा शुक्रिया अदा करने का कि उन्होंने हमें अपनी मेहनत से इस काबिल बनाया कि हम सब ने ही अपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तरक्की की माशाल्लाह, और हम इस पे उन सब के शुक्रगुजार हैं। जी सर, एक वक्त था क्लास में इकट्ठे बैठे होते जी, थे जी, जी, और फिर इतने दिन बाद आज फिर से इकट्ठे बैठना हुआ, कैसा फील कर रहे हैं? जी, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो आई वाज स्टडीइंग देयर इन 1981-1984, दैट इज अ लॉन्ग टाइम। I have met so many friends over here in the gathering, so that's a big opportunity for me, and I am really thankful to Mr. Salim, organizer, and the Shafiq Saab who is planning this gathering, or is the golden opportunity for all of us. सर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो हमने गैदरिंग की बात की, इकट्ठ की बात की, एक मरतबा आप सब बैठे मिले, आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंट्स की कितनी अहमियत है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आई थिंक सब इकोनॉमिस्ट बैठे हैं? इस हवाले से हमारी बहुत बड़ी अहमियत है। असल में ये कंसेप्ट गैदरिंग का जो है ना, जो इस्लाम ने हमें दिया है जी, इस्लाम में हमारा बेसिक यूनिट मस्जिद है, उस पर गैदरिंग का क्या मतलब है? हम अपने मसाइल हल करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर जुमे के ऊपर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मसाइल हल करते हैं, बड़े से मसाइल जो है हम हाज की गैदरिंग में जाकर करते हैं। ये गैदरिंग हमें बहुत अच्छी मिली, हम अपने पुराने दोस्तों को, अपनी पूरी फैमिली को देख कर, ये दिस इज आवर फैमिली, ये हमारे जो इकान मस्जिद में भी हमारी फैमिली है, हमारा खानदान है, अपने खानदान में आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बिछड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, तो आज अब खान बापन आकर मैं हकीक आप तसव्वुर करेंगे, मैंने गाड़ी की ब्रेक इधर आकर लगी है, मुझे स्मेल आ गई कि मुझे अपने दोस्तों की, अपने खानदान की खुशबू आ गई थी, अपने ब्लड की मुझे खुशबू आ गई थी भाई दरिया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सलामती नसीब करे, अल्लाह तमाम हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी को अल्लाह सलामती नसीब करे। मैं जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी से गुजरता हूँ, जाने का तो इतफाक़ तो नहीं होता, सड़क में आने जाने का हफ्ते में एक दो मरतबा मुझे इतफाक़ होता है, तो मैं दरूचरी पढ़ कर सुनाता हूँ, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मैं इवन मैं हकीकत मैं आपको बताऊँ, जब मैं किसी मसाइल का शिकार होता हूँ तो मैं वास्ता भी पंजाब यूनिवर्सिटी का देता हूँ, मेरे अल्लाह मेरे इस अदारे की इज्जत रखना, इस अदारे की इज्जत मेरी इज्जत। जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के ऐसे लुमिनाई, ऐसे लोगों के साथ जो एक वक्त इकट्ठे पढ़ते थे और आज अपनी यादों को रिमेम्बराइज करने के लिए ठहरे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जी इकोनॉमिक्स का 95-97 बैच है, और ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम सब पुराने कोलीग्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, रिलेशनशिप्स की रीबिल्डिंग होती है, और अपने आप को हम दोबारा माजी में फील करते हैं। तो हम इस इवेंट की जिस कमेटी ने जिसे ऑर्गेनाइज़ किया है उनके भी बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि जिसमें हमने अपने सब पुराने दोस्तों से मुलाकात की। थैंक यू।
सर, आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंट्स का होना हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आई थिंक यू आर द रियल इकोनॉमिस्ट ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जिस तरह ये फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चूंकि ये सारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पुराने स्टूडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ सारे कहीं ना कहीं पे सर्व कर रहे हैं, तो इस तरह की गैदरिंग से, कुछ डिस्कशन से, बहस मुबाहसे से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए एक बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया जी। सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि आप जैसे इकोनॉमिस्ट को बिठा के उनसे राय लेनी चाहिए? जी डेफिनेटली, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए मेन जो है वो थिंक टैंक होता है, और पॉलिसी मेकिंग में उनका मेन रोल होता है, और उसी पे आगे मईशत चलती है। तो इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा एक जो स्पेशल इनिशिएटिव है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो ये एक बड़ी स्पेशल इनिशिएटिव है जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो कि पाकिस्तान में आप देखेंगे पूरे मुल्क में अब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के हवाले से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिस वजह से हमारी मुल्क की इकानमी भी बेहतर होगी, और जो ओवरऑल एक फूड क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको मीट करने में जो है वो हम अपना रोल प्ले करेंगे, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और हमारे जो इंडिजिनस जो हमारी इकानमी है जो कि बेस्ड ऑन एग्रेरियन है, तो उसमें बेहतरी आएगी। जी नाचनिक्राम हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम दाऊद अहमद साहब है, और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अगर तलबा की बात की जाए तो 1968 के अंदर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्री हासिल की। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, इंशाल्लाह। सर, आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी, पुराने दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, कैसा महसूस? मेरे जमाने के मुझे एक और दो के अलावा शायद कोई है ही नहीं, शायद एक आध हो। 68 से देखे ना कितना अरसा हो गया। जी सर, तो बेशुमार लोग तो थे, मतलब सारे लोग जितने भी पुलिस में गए, अजहर हसन नदीम, अहमद नसीम, आई जी ये वो सब मेरे क्लास फेलो थे उस जमाने की बात है। अच्छा। तो डॉक्टर रफीक साहब थे, बाद में चेयरमैन भी रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के, हमारे ज़माने में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और दूसरा ये है कि बड़ी एक्टिविटी थी, बड़े फंक्शन होते थे, मैं शायर भी रहा हूँ अपने ज़माने में, तो दाऊद अज़म मेरा नाम है, शायरी अज़म तखल्लुस था मेरा। अच्छा। गोल्ड मेडल भी मुझे मिला था मुशायरे में, और पंजाबी में अच्छे से रोला फन भी मिला। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी 66 में। अच्छा। तो फिर इधर आ गया 68 में, मैंने एमए कर लिया था, फिर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, और सारी नौकरी तकरीबन मेरी बैंक की है। सर, इस खूबसूरत महफिल को चार चांद लगाने के लिए, हमारे प्रोग्राम को भी चार चांद लगाने के लिए आप अपनी शायरी में से एक शेर सुनाना चाहेंगे? मैं सुनाता हूँ। सहने चमन में जाके तू इस तरह जंग कर, सहने चमन में जाके तू इस तरह जंग कर, रंगों को यूं मिला कि फकत एक रंग कर, निकला है घर से लोगों के दिल जीतने अगर, तलवार फेंक तेशाए फरहाद सांकर। जी, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर आबिद रजाक साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आबिद रजाक हूँ, मेरा सेशन 1992 है जी, और मैं चौधरी सलीम साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने हमारे लिए इतना एक अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ईयरली एक इवेंट करते हैं जो कि नंबर ऑफ 30-35 पीपल से स्टार्ट हुआ था, और अब ये इट हैज़ ग्रोन अप टू अबाउट 200, और इंशाल्लाह इट विल कीप ग्रोइंग ऑन। और ये इनकी एफर्ट्स हैं, चौधरी सलीम साहब की और सब दोस्तों की मोहब्बत है कि इतना अच्छा इवेंट एक ऑर्गेनाइज हो जाता है जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, फराज ने ये कहा था कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, मगर इसके बरक्स किसी दौर में इकट्ठे किताबें पढ़ने वाले बिछड़े हुए दोस्त आखिर आज मिल ही गए, और आज की ये खूबसूरत तकरीब इस मुलाकात का बहाना बनी। आपको हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद यासिर हनीफ को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।
subscribe to my channel and all